अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय होते ही मंदिर पर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र गठबंधन में शामिल एनसीपी और कांग्रेस भूमि पूजन की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया है, जबकि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से इतर बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र गठबंधन में दरार आ सकता है। दरअसल शिवसेना अब खुलकर राम मंदिर के पक्ष में बयानबाजी कर रही है। पहले तो शिवसेना इस बात पर भी नाराज हुई कि आखिर भूमि पूजन में उद्धव ठाकरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुना दिया है, तो केंद्र सरकार सीबीआई की विशेष अदालत में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई को गति देने के लिए कोई पहल क्यों नहीं कर रही है। राउत ने कहा कि केंद्र सरकार का ये कदम समझ से परे है। संजय राउत ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि केंद्र अभी भी मामले को जीवित रखे हुए है और इस उम्र में आडवाणी जी और जोशी जी को सीबीआई अदालत में घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण को मंजूरी दी है तो मोदी सरकार को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने से किसने रोका है। वहीं संजय राउत के एक बयान पर हंगामा खड़ा हो सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे नेता दिवंगत बाल ठाकरे और शिवसेना हमेशा कहती रही है कि हमें गर्व है कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने के लिए गिराया गया। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस आरोप का मामला लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत में चल रहा है। इस अदालत में जोशी और आडवाणी के बयानों को गुरुवार और शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाता है। इस केस में 49 आरोपी हैं, जिनमें से 32 अभी जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसले के लिए 31 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। पहले राम मंदिर और उसके बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस पर कांग्रेस और एनसीपी से अलग बयान देकर शिवसेना ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। राजस्थान की राजनीति ने दिल्ली तक भूचाल ला दिया है। कांग्रेस अपनी पूरी फौज लेकर जयपुर बैठी हुई है। गहलोत और पायलट के बीच अभी फाइनल मैच नहीं हुआ है, लेकिन गहलोत अपने आप को विनर घोषित कर चुके हैं। लेकिन बीते दिनों राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से पायलट खेमे को 24 जुलाई तक फौरी राहत मिल गई है, जिसके बाद अशोक गहलोत की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट की ओर से 24 जुलाई तक फैसले को सुरक्षित रखने की सूचना के बाद सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों को ये सूचना दी है कि फिलहाल अभी भी उन्हें कुछ दिनों बाड़ा बंदी में ही रहना होगा। वहीं इस मामले में अब पायलट खेमा भी विधायकों को घेरने में जुट गया है। इस बीच कांग्रेस अभी भी अपना कुनबा छोड़ बीजेपी पर आरोप लगाने में जुटी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान में सारे हथकंडे मोदी सरकार के फेल हो गए हैं, लिहाजा केंद्र सरकार बौखलाई हुई है। केंद्र सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि मोदी सरकार सीबीआई के जरिए कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है, हम डट कर सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर ईडी का छापा डलवाया गया। इनकम टैक्स की कार्रवाई मुख्यमंत्री के करीबी लोगों पर करवाई जा रही है। विधायक कृष्णा पूनिया और सीएम के ओएसडी को भी सीबीआई के बहाने डराया धमकाया गया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार स्थिर है और रहेगी, चाहे केंद्रीय सरकार कितने भी जोर लगा ले। हालांकि राजस्थान के सियासी कांड पर सुरजेवाला भले ही बीजेपी पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन कांग्रेस खेमे के बहुत ऐसे नेता ये मान रहे हैं कि ये पार्टी के अंदर आपसी गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ है। सवाल है कि कांग्रेस कब तक आरोप दूसरों पर लगाती रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान कांग्रेस ने अपने करीबियों को खूब फायदा पहुंचाया। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हैं। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी जेल की हवा खाकर बाहर निकले हैं, जबकि एक मामले में सोनिया के खास अहमद पटेल से ईडी की पूछताछ जारी है। वहीं अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत के भाई पर फर्टिलाइजर घोटाले का आरोप है, जिसके बाद ईडी ने सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी की है। बीते दिनों ही सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का नाम फर्टिलाइजर घोटाले में आया था। आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने 2007 से 2009 के बीच किसानों के लिए ली गई उर्वरक को प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। इस दौरान केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और राज्य में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। दरअसल म्यूरिएट ऑफ पोटाश निर्यात के लिए प्रतिबंधित है। एमओपी को भारतीय पोटाश लिमिटेड द्वारा आयात किया जाता है और किसानों को रियायती दरों पर वितरित किया जाता है।
आरोप है कि 2007 से 2009 के बीच अग्रसेन गहलोत जो आईपीएल के अधिकृत डीलर थे उन्होंने रियायती दरों पर एमओपी खरीदा और किसानों को वितरित करने के बजाय उन्होंने इसे कुछ कंपनियों को बेच दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई की कंपनी ने कथित रूप से सब्सिडी वाले उर्वरक का निर्यात किया जो घरेलू उपभोग के लिए था। बीजेपी ने कहा कि अग्रसेन गहलोत की कंपनी ने देश के किसानों के लिए आयात किए जाने वाले उर्वरक पोटाश के मुरेट का निर्यात किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये सब्सिडी की चोरी का एक स्पष्ट मामला है और ये सब 2007 से 2009 के बीच हुआ जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपी केंद्र में सत्ता में थी। हालांकि अग्रसेन गहलोत ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। अब इस मामले की ईडी ने जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले आयकर और ईडी ने गहलोत के करीबियों पर छापेमारी की थी। राजस्थान में सियासी लड़ाई सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच छिड़ी हुई है। गहलोत की कुर्सी खतरे में है। पायलट अपने खेमे में 30 से अधिक विधायकों के होने का दावा किया है जिसके बाद गहलोत विधायकों को अपने पाले में करने में जुटे हैं। इस बीच आरोप लगा कि गहलोत विधायकों का फोन टैप करवा रहे हैं। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। अब फोन टैपिंग को लेकर राजस्थान में संग्राम मच गया है। मामले में अब गृह मंत्रालय भी कूद गया है। गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग को लेकर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। इसके 3 दिन बाद राजस्थान सरकार ने जवाब भेजा। गृह विभाग एटीएस और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने ये रिपोर्ट तैयार की है। केंद्र को भेजे गए जवाब में कहा गया कि फोन टैपिंग में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। गृह सचिव ने फोन टैपिंग की कोई अनुमति नहीं दी। मुख्य सचिव और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी फोन टैपिंग मामले पर अनभिज्ञता जाहिर कर चुके हैं। गृह सचिव के स्तर से भी फोन टैपिंग की स्वीकृति नहीं दी गई है। गृह सचिव को भी इस बात की जानकारी नहीं कि फोन टैपिंग हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि फोन टैपिंग में सरकार पूरी प्रक्रिया का पालन करती है। गृह सचिव से अनुमति लेने के बाद ही पुलिस फोन टैप करती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मसले पर राज्य सरकार से 10 से ज्यादा बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। दरअसल विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद राज्य सरकार पर फोन टैपिंग को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नोटिस में कहा गया था कि मंत्रालय को शिकायत मिली है कि संजय जैन की फोन टैपिंग नियमों के खिलाफ हुई है। ये भी पूछा था कि फोन टैपिंग किन नियमों के तहत की गई। जैन को इस ऑडियो मामले में दलाल माना गया और वो अभी गिरफ्तार है। वहीं बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर मंत्री और विधायकों के फोन टैप करने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी जिसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। हालांकि अब देखना होगा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय फोन टैपिंग को लेकर क्या प्रतिक्रिया देता है। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जा रही है लेकिन कांग्रेस की गाड़ी चीन पर अटकी हुई है। वो बार बार चीन के सहारे मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। इसके विपरीत भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाद चीन सीमाओं पर अपने कदम पीछे हटा रहा है लेकिन कांग्रेस को ये सब नहीं दिख रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी चीन के मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी लेकिन जब बीजेपी की तरफ से राहुल को करारा जवाब मिला तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने कड़े शब्दों से प्रदूषण फैलाना बंद करे और ठीक से शासन करने पर ध्यान दे। सिब्बल ने कहा कि बीजेपी को सरकार चलाना नहीं आता लेकिन कड़े शब्दों का प्रयोग कर दूसरों पर हमला करना उसे अच्छी तरह आता है। सिब्बल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जावड़ेकर भी आप देश के पर्यावरण मंत्री हैं। आपका काम प्रदूषण रोकना है लेकिन आप कड़े शब्दों का प्रयोग कर देश की राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं। आपको राहुल गांधी की आलोचना करने के बजाय कोरोना काल में देश के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बीच ट्विटर वार हुआ। कोरोना काल के दौरान सरकार की पिछले 6 महीने की उपलब्धियों पर राहुल गांधी ने तंज किया। उधर प्रकाश जावड़ेकर ने भी राहुल के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश सरकार खोने की याद दिला दी जिसके बाद कपिल सिब्बल राहुल को डिफेंड करने के लिए बाहर निकले। हालांकि इससे पहले भी राहुल कई बार चीन को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को करारा जवाब मिलने के बाद राहुल कुछ दिन शांत रहते हैं। राजस्थान में सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
लड़ाई कांग्रेस की अंदरूनी है। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन सीएम अशोक गहलोत आरोप बीजेपी पर लगाने में जुटे हैं। इस बाबत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। गहलोत ने चिट्ठी के जरिए कहा है कि चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। गहलोत का आरोप है कि सरकार गिराने में बीजेपी के नेता शामिल है। इस साजिश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हाथ है। हमारी पार्टी के अति महत्वाकांक्षी नेता भी इसमें शामिल है। सीएम ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। सीएम अशोक गहलोत की ओर से ये पत्र 19 जुलाई को लिखा गया था, जो अभी सामने आया है। गहलोत ने मध्य प्रदेश सरकार गिराने का भी जिक्र पत्र में किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कमलनाथ सरकार भी बीजेपी की साजिश की वजह से गिरी थी। गौरतलब है कि सियासी घमासान के बीच कुछ रोज पहले सरकार गिराने से जुड़ा कथित ऑडियो सामने आया था। उसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है, जो कि भवनलाल शर्मा के साथ मिलकर पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर राजस्थान की एसओजी टीम गजेंद्र सिंह का वैध सैंपल लेने पहुंची थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इस टेप कांड में बीजेपी नेता संजय जैन को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। वही टेप कांड को लेकर बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान सरकार ने विधायकों और दूसरे नेताओं का फोन टैप कराई है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कुल मिलाकर राजस्थान में मामला कांग्रेस के अंदर का है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में बीजेपी को लपेटने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।